हेलो गाइस, मेरा नाम विजय है। तो गाइस, आज इस वीडियो में करूंगा लेनोवो के थिंकपैड T490S लैपटॉप की अनबॉक्सिंग और हैंड्स ऑन, जो कि एक माइनर अपग्रेड है ओवर द लास्ट इयर्स लेनोवो थिंकपैड T490 लैपटॉप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले बॉक्स को फ्लिप कर लेते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं। और बॉक्स को ओपन करते ही जस्ट लाइक एनी अदर लेनोवो लैपटॉप, आपको यहाँ पे मिलता है अपना मेन प्रोडक्ट, जो कि है ये लेनोवो का T490S लैपटॉप। और इसे हम रखते हैं साइड में, देखते हैं बॉक्स में हमें और क्या देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे कुछ पेपर वर्क रखा है इसी लेनोवो के थिंकपैड T490S लैपटॉप के लिए, और ये है इस लैपटॉप का चार्जर आई गेस। और इसे ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या हमें आउटपुट मिलता है और कौन सी हमें पिन देखने के लिए मिल जाती है। तो लाइक अदर लेनोवो लैपटॉप्स, ये लैपटॉप भी क्विक चार्जिंग सपोर्ट करता है और आता है 65 वॉट के एक बेसिक चार्जर के साथ में। चार्जिंग पिन की बात करें तो USB टाइप सी अगेन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो इसे भी रख देते हैं साइड में और आते हैं अपने मेन प्रोडक्ट की तरफ। तो ये है हमारा मेन प्रोडक्ट T490S लैपटॉप, और इसे हम लोग साइड में रख देते हैं, इस प्लास्टिक को हटा देते हैं। और तो गाइस, सबसे पहले तो इस लैपटॉप को हाथ में उठाते ही बहुत ही लाइट वाली फीलिंग आ जाती है, बहुत ही लाइट और बहुत ही प्रीमियम इसका बिल्ड लग रहा है। जैसे कि थिंकपैड टी सीरीज जानी जाती है एक बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल डिज़ाइन के लिए, ये लैपटॉप भी कुछ इसी तरह आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की और पोर्ट्स की, जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है एक USB टाइप ए 3.1 पोर्ट, और इस साइड यहाँ पे हमारे स्पीकर्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि लेनोवो थिंकपैड T490 में हमें फ्रंट साइड में देखने के लिए मिल जाते थे। तो इस बार लेनोवो ने फिर से ये स्पीकर्स साइड माउंट कर दिए गए हैं। तो गाइस, लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है एक USB टाइप सी पोर्ट, उसके पास में हमें यहाँ पे एक USB टाइप सी और स्मॉल साइज ईथरनेट पोर्ट देखने के लिए भी मिल जाता है, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं थंडरबोल्ट की तरह भी कॉम्बाइन करके, और यहाँ पे आप अपना लेनोवो का डॉकिंग स्टेशन भी कनेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं और पोर्ट्स की, तो यहाँ पे हमें एक और USB टाइप ए 3.1 पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, और इसके पास में यहाँ पे हमें एक HDMI पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, एंड देन लास्टली हमें यहाँ पे एक 3.5mm हेडफोन जैक देखने के लिए मिल जाता है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमें एक SD कार्ड देखने के लिए क्यों नहीं मिलता है लास्ट जनरेशन की तरह। तो वेल गाइस, SD कार्ड की पोजीशन यहाँ पे चेंज कर दी गई है, बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है ये पोजीशन, लेकिन ये आपको बैक साइड में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा इस बार। तो ये एक चेंज करा गया है फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करते हैं। तो और इस लैपटॉप को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं हमें अंदर क्या देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे एक 14 इंच की फुल HD डिस्प्ले, जो कि बहुत ही क्रिस्प है और बहुत ही शार्प है, जस्ट लाइक द लेनोवो T490 लैपटॉप, और सपोर्ट करती है स्मार्ट HDR को। और इस साइड यहाँ पे हमें कैमरा मिल जाता है एक 720p, जस्ट लाइक एनी अदर लैपटॉप, अलॉन्ग विद अ थिंक शटर फॉर योर प्राइवेसी। और यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाती है लेनोवो की ब्रांडिंग, T490S की ब्रांडिंग। बेजल्स बहुत ही थिन है, जस्ट लाइक द लेनोवो T490 लैपटॉप। और यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है एक पावर बटन। और बात करते हैं अगर कीबोर्ड की, तो दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कीबोर्ड ऑन एनी लैपटॉप, और ये आता है एक 1.5mm ट्रेवल के साथ में, और बहुत ही कम यहाँ पे आपको मिस्टेक्स देखने के लिए मिलती है इस कीबोर्ड पे टाइप करने के साथ। तो कीबोर्ड बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है, अगर आप इसे ऑफिस वर्क के लिए ले रहे हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड यू कैन गेट ऑन एनी लैपटॉप। ट्रैक पैड की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, आता है माइक्रोसॉफ्ट के प्रिसीशन ड्राइवर्स के साथ में, तो सारे ही मल्टी टच गेस्चर्स वगैरह यहाँ पे काम कर जाएंगे आपके। यहाँ पे हमें एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने के लिए मिलता है। तो जो वर्जन मेरे पास इस लैपटॉप का है वो आता है i5 8th generation प्रोसेसर के साथ में, लेकिन आपको यहाँ पे मिल जाता है i7 8565U प्रोसेसर के साथ तक का हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन मॉडल, और हाईएस्ट जो रैम है यहाँ पे वो भी 32GB है। तो रैम की अगर बात करें तो यहाँ पे T490 मॉडल के कंपैरिजन में हमें एक डाउनग्रेड देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि ये जो रैम है इसके अंदर इंस्टॉल वो यहाँ पे अपग्रेडेबल नहीं है। तो आपको जो रैम मिलती है, अगर आप 8GB वेरिएंट लेते हैं तो आपकी रैम 8GB ही रहेगी, आप उसको अपडेट नहीं कर सकते, अपग्रेड नहीं कर सकते। और यहाँ पे हमें एक M.2 SSD देखने के लिए मिल जाती है, विच इज़ अगेन नॉट अपग्रेडेबल। तो ये थी इस लैपटॉप की अनबॉक्सिंग और फिजिकल ओवरव्यू वीडियो।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप आगे भी इसी टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।